क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 rupees टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट हैं 9 क्लास के और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें जो नुकसान हुआ उसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं 100 rupees इक्वल। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा और हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम और उस लीनियर इक्वेशन से टेबल बना के हमें उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। Let Yamini contributed या donate x rupees and let Fatima contributed y rupees। According to question लिखेंगे यहाँ पे, according to question दोनों इक्वली पुट करती हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है टू वेरिएबल में, x और y टू वेरिएबल और यहाँ लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब टेबल बनाएंगे वहन x पुट करते हैं हम 0, टेबल बनाएंगे यहाँ पे हम x एंड y की, तो x x पुट करें इसमें हम 0 तो यह आएगा हमारे पास 0 प्लस में y इक्वल टू 100 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। और जब हम y पुट करें 0 तो यहाँ हमारे पास y की जगह पुट करेंगे हम 0 तो x है वो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 0 इक्वल टू 100 यानी x इज इक्वल टू 100। ये दो इक्वेशन आएंगी। जब हम इसमें पुट करते हैं x, x इज इक्वल टू पुट करें हम 50, x पुट किया हमने 50 तो यह आएगा 50 प्लस में y इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे 50 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 100 माइनस में 50 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल बनेगी वो टेबल आ जाएगी x, x पुट किया 0 तो y 100, x 0 y है वो 100, y इज इक्वल टू 0 तो x है वो हमारे पास है 100। फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 50 तो y भी हमारे पास क्या आ गया 50। ये हमारे पास फाइनल टेबल आएगी और इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ग्राफ हमारे पास ये गिवन है, देखिए इस ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे x, x जीरो यानी कि यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 100, y है वो 100 ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास y है 100। फिर x है वो हमारे पास 100, x 100 यानी कि x है वो 100 और y है वो हमारे पास 0, यहाँ लिख लेंगे पॉइंट, x है वो 100 है हमारे पास, y है वो 0, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास x है वो 0 है और y है वो हमारे पास 100। फिर थर्ड पॉइंट x भी 50 है और y भी 50, x हमारे पास ये लाइन है, x लाई 50 लाई करेगा 40 एंड 60 के बीच में, यह हमारे पास हो जाएगा 50। सेम ऐसे ही 40 और 50 के बीच में लाई करेगा हमारे पास y एक्सिस पे यहाँ 50। अब इसको अगर हम आगे तक रफली ड्रॉ करें तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 50 एंड 50। अब इसको हम अगर मीट करें पॉइंट तो हमारे पास ग्राफ है वो हो जाएगा कंप्लीट, तो यहाँ हमारे पास आएगा दिस लाइन, ये हमारे पास हो जाएगा इसका
ग्राफ, ग्राफ में हमारे पास लाइन अगर लिखें हम, तो ये हमारे पास लाइन किस लाइन के लिए है, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 100। यही हमें क्या करना था, इसमें निकालना था। दैट्स इट।